फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कीवर्ड लिखना है फॉर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये बॉडी है, हम इफ के टाइम पे भी देख चुके हैं ऐसी बॉडी है, तो ये फॉर लूप की बॉडी है। अच्छा, फॉर लूप को आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए होता है, इस जगह पे क्या चाहिए होता है फॉर लूप को? इफ एल्स को हमने देखा था कि यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक बूलियन चाहिए होता है। अच्छा, फॉर लूप को ना यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, सेपरेटेड बाई सेमी कॉलन। तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। नंबर एक इनिशियलाइजेशन पार्ट कहलाता है, ये जो नंबर एक पार्ट है ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। अच्छा, मैंने कहा लेट आई इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड वाला पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है कंडीशन चेकिंग, और थर्ड पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं फॉर लूप के अंदर जो हमें देखने पड़ते हैं। अच्छा, और ये बॉडी है, इसमें भी कुछ लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और इनसाइट फॉर, और कॉमा डाल के मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे, तो आई को प्रिंट भी करवा देता हूँ। अच्छा, तो ये मेरा एक हेलो वर्ल्ड का फॉर लूप तैयार हो चुका है, ये हेलो पहला फॉर लूप हमने लिख लिया। अच्छा, थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा देखने में कि यार ये तो कितनी सारी चीज़ें ऐसे अकड़म बकड़म सिंबल्स लिखे हुए हैं, है ना, अभी समझ आना शुरू हो जाएगा। ये देखो, प्रोग्राम जब यहाँ पे पहुँचेगा पहली दफ़ा, फॉर का कीवर्ड देखेगा तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि फॉर लूप आने वाला है, फ़ौरन फॉर लूप उसको पता चल जाएगा कि आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये जो पहला पार्ट रीड करेगा, ये पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन का पार्ट। ये पार्ट एक दफ़ा चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा, दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट, अच्छा पहला पार्ट चलते ही क्या हुआ, एक वेरिएबल बन गया आई के नाम से, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, क्योंकि जैसे हम पहले ही देख चुके हैं फॉर लूप का और एरे का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं इस वेरिएबल का, लेकिन अमंग द डेवलपर्स कन्वेंशन है कि इसका नाम आई रखते हैं, ये आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। आप कोई और नाम भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कन्वेंशन को फॉलो करें। तो ये जैसे ही चला ना, एक वेरिएबल बन गया आई के नाम से, उसमें जीरो जाके सेव हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट जो है ये कहलाता है कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट, ये चलेगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन नाइन, आई में इसमें जीरो मौजूद है, लेस देन नाइन, तो ये एग्जीक्यूट होगा जब सिंगल वैल्यू पे, कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, क्या रिटर्न करता है ये, ट्रू या फॉल्स, अभी क्या करेगा, ट्रू करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, तो ये वाला पार्ट जो है ना, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो क्या होगा, ये बॉडी एक दफ़ा चल जाएगी, एक दफ़ा चल जाएगी, सही है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या करेगा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये इस लाइन में आ जाएगा, यानी फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा ये, लेकिन अभी तो फिलहाल ट्रू है ना, तो ट्रू वाले को लेके चलते हैं। अच्छा, तो ये ट्रू हुआ, ये बॉडी एक दफ़ा चल जाएगी, ये बॉडी चलने, अच्छा प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, आई प्रिंट करवाया हुआ मैंने, इनसाइड फॉर और उसके आगे ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, सही है, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा आई में आई प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है भाई, रिवर्स में भी चल सकता है लोग, क्या मतलब जीरो से नाइन चल रहा है, नाइन से जीरो भी जा सकता है, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे आके इसका पहला साइकिल जो था लूप का वो कंप्लीट हो गया, इसमें कोई शक। अच्छा, अब क्या करेगा ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ये नहीं चलाएगा, क्योंकि ये तो चलता है सिर्फ पहली दफा, दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा, तो अब शुरू कहाँ से करेगा, डायरेक्ट कंडीशन चेकिंग। अच्छा, अब ये आई में क्या हो चुका है, क्योंकि पहला साइकिल कंप्लीट होते होते वो इंक्रीमेंट करके गया है ना, तो अब इसमें वन हो चुका है, तो क्या अभी भी ये ट्रू है, तो ये दोबारा एक दफ़ा बॉडी चल जाएगी और दोबारा एक दफ़ा ये पार्ट भी चल जाएगा, ये दूसरा साइकिल इस पॉइंट पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, तीसरा साइकिल, तीसरे साइकिल के लिए फिर इसको चेक करेगा, अब आई में क्या हो चुका है, टू या थ्री जो भी, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, अब इसमें हो चुका है एट, आठवां साइकिल हो गया, एट हो गया इसमें, क्या अभी भी कंडीशन ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बॉडी को एक बार रन करेगा, इसको चला देगा एक बार, अब नाइन हो गया, अब
आप बस एक और साइकिल, क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? फॉल्स है, फॉल्स होगा, ये छोड़ छाड़ के नीचे आ जाएगा, ख़त्म लूप हमारा। तो ये लूप जब चल के ख़त्म होगा पूरा, तो यहाँ पे जीरो से लेके कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा? एट तक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि नाइन्थ में तो वो हुआ ही नहीं ना ट्रू, नाइन्थ में तो फॉल्स हो गया, तो जीरो से एट तक प्रिंट होगा। अगर मुझे जीरो से नाइन तक करवाना है तो उसको मुझे टेन करना पड़ेगा, तो फिर नाइन भी प्रिंट होगा, तो टेंथ में जाके फॉल्स होगा। तो हमने क्या देखा कि फॉर लूप बनता कैसे है और चलता कैसे है वो। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैंने आपके सामने किया है ना कि यार पहले यहाँ जाएगा फिर वहाँ जाएगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड ड्राई रन। क्या कहलाता है ये? ड्राई रन। अच्छा, ये आप सब लोगों को ज़रूर आना चाहिए ड्राई रन, मतलब कोई कोड लिखा हुआ देख के ना आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो बंदा करता है जब, तो कोड लिखना तो आखिरी काम होता है ना, कोड लिखना जो होता है वो आखिरी काम, पहले तो प्लानिंग होती है कि ये चलेगा कैसे, होगा क्या सब कुछ। अच्छा, फिर अगर कोड में आप डिबगिंग कर रहे हैं, कोड भी लिख लिया सब कुछ कर लिया डिबगिंग कर रहे हैं, तो बार बार उसको चला के देखेंगे फिर जाएंगे इट डजेंट वर्क। आपको कोड को अपने ब्रेन में एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है, तो फिर आपको पता चलता है कि एरर कहाँ पर है, वरना बड़ा टाइम लगता है फिर डिबगिंग में ना। तो ये ड्राई रन्स हम अब ऑफन क्या करेंगे, जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो हम मोस्ट ऑफन ये करेंगे कि कोड को रन करके भी नहीं देखेंगे, ड्राई रन करेंगे, उसी में आप कन्वेंस हो जाएंगे कि हाँ यार ये कोड ठीक है। सम टाइम हम एक दो दफ़ा चलाकर भी देख लेंगे, जैसे इस केस में एक दफ़ा चलो चलाकर भी देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस। लेकिन हमें कोड चलाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोड देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कोड क्या करने वाला है, ठीक है। तो जीरो से लेके नाइन तक प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने उसको टेन कर दिया था ना नाइन तक, वरना एट तक होता। अच्छा, तो जीरो से लेके नाइन तक ये प्रिंट हो गया। तो हमें ना ऐसी कोडिंग आनी चाहिए, अगर ऐसी कोडिंग आती है तो आप फिर बोल सकते हैं कि अच्छा यार मैं जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट हूँ, वरना नहीं बोल सकते आप। तो ड्राई रन करना हमें आना चाहिए, सब लोगों को कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये फॉर लूप पढ़ तो लिया हमने कि चलता कैसे, फॉर लूप है क्या और कब यूज़ होता है ये तो हमने छोड़ दिया पहले ही। फॉर लूप क्या होता है, लूप किस चीज़ को कहते हैं, अंग्रेजी में लूप का क्या मतलब होता है? लूप जो है ना, हाँ अच्छा, लूप बाई दफे हम उसको कहते हैं जो फांसी का फंदा नहीं बनाते रस्सी से, उसको कहते हैं लूप, गोल रस्सी बांधते हैं ना जो, ऐसे गाड़ी वाड़ी खींचने के लिए दरख्त में भी बांधते हैं, ऐसे वो लूप बनाते हैं। बल्कि यूट्यूब पे वीडियोस भी होती हैं, सर्वाइवल वीडियोस होती हैं कि हाउ टू मेक लूप, ठीक है, क्विक लूप, स्ट्रॉन्ग लूप, अलग अलग तरह के लूप बनाना सिखाते हैं। तो वो लूप अभी मैं लिखूंगा ना यहाँ पे जाके लूप, तो देखो क्या आएगा। ये होता है लूप असल में, ठीक है। STRONG, स्ट्रॉन्ग लूप, लूप नॉट, ये होता है लूप, सही है। देख लो बता रहा है स्टेप बाय स्टेप के, वन ऐसे लपेटो, टू ऐसे लपेटो, ये लूप है। आता है ना सब लोगों को ऐसे रस्सी को फंसाना, हाँ। तो भाई नाम में आधी कहानी छुपी भी होती है। हमारे एक टीचर थे बड़े अच्छे, थे क्या अभी भी हैं, इंतकाल नहीं हुआ उनका, उनका नाम था नौशाद आरजू साहब। वो कहते थे यार आधी कहानी ना नाम में छुपी हुई है, अगर नाम पे गौर करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो लूप जो है वो किसी भी गोल सर्कल को लूप कहते हैं, ठीक है। जैसे जो जब घोड़ा होता है उसको जब ट्रेन करते हैं उसको भगाना होता है, मतलब 10-10, 20-20 किलोमीटर, तो अब 10 किलोमीटर क्या उसके साथ साथ भागेंगे हम? नहीं। तो वो क्या करता है, ट्रेनर गोल सर्कल बना देता है और बीच में खुद खड़ा होकर ना उसकी रस्सी यूँ पकड़ लेता है और घोड़े को बोलता है भाग, और घोड़ा गोल 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 उसमें भागता रहता है, पूरा पूरा दिन भागता रहता है और पूरा दिन ये खड़ा रहता है उसकी तरह रस्सी पकड़ के। तो वो एक लूप होता है कि वो गोल गोल घूम रहा है, लूप है वो, ठीक है। आप जो सॉन्ग्स रन करते हैं आप म्यूज़िक प्लेयर में, उसमें भी ना लिखा हुआ होता है लूप, लूप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वही की सॉन्ग फिर घूमता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पूरी प्लेलिस्ट पे भी लूप लगा सकते हैं, सिंगल सॉन्ग पे भी, पूरी प्लेलिस्ट पे लगाते हैं तो ख़त्म हो गया फिर शुरू से चलता है। दोनों दो तरह के लूप होते हैं उसमें म्यूज़िक प्लेयर में। तो लूप हमें पता है कि क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को बार 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 घुमाना है तो वो लूप कहलाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत दफ़ा, मोस्ट ऑफन आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ना कोई भी काम बार बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे इनपुट लेना है यूज़र से, ठीक है, आपने कहा यार इनपुट लेना है, लेते रहो बार बार। जैसे ATM मशीन होती है, ATM मशीन लूप में चल रही होती है, ऐसा ही है ना। आपने ATM का कार्ड एंटर किया,
जो भी करना था प्रोसेस, पैसे निकालना था, बैलेंस चेक करना था, वो किया आपने और आपने एंड कर दिया सेशन अपना, कार्ड बाहर आ गया, अब वो दोबारा कार्ड लेने के लिए रेडी हो गया। वो लूप है, वो इन्फिनिट लूप है, वो ख़त्म नहीं होगा। वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि कार्ड आपने डाला, प्रोसेस किया, कार्ड आपका ख़त्म, तो ATM ऑफ। आमतौर पर तो सॉफ्टवेयर ही होता है ना कि सॉफ्टवेयर को ऑन किया आपने, जैसे VLC प्लेयर है, आपने कोई वीडियो दबाई चला, वो चल के रुक गया, ख़त्म हो गया, वीडियो ख़त्म हो गई, VLC प्लेयर वो ठंडा हो गया, छोटा हो जाता है वो, पता नहीं क्या दिखा देता है कुछ और, तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन ATM मशीन में ऐसा नहीं होता, ATM मशीन दोबारा रेडी हो जाती है, बत्ती वो ग्रीन हो जाती है उसकी कि कार्ड एंटर करें हम, और सामने लिखा हो जाता है कि प्लीज़ एंटर योर कार्ड, ऐसे पता नहीं। तो एक इन्फिनिट लूप है। तो प्रोग्रामिंग में आपको बहुत दफ़ा ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि एक ही काम को बार बार करना पड़ सकता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है अगर स्क्रीन पे, एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है, जो क्लासिक एग्जांपल है, जो लूप के साथ करवाया जाता है। तो मुझे 1 से 10 तक की गिनती पहले प्रिंट करना सीखना पड़ेगा। वो तो हम कर चुके हैं, 1 से 10 तक की गिनती हम प्रिंट कर चुके हैं। अच्छा भाई, दबे 0 से 9 प्रिंट किया ना हमने। अच्छा एक बात और भी ये वाली है, पहले तो तुम लोग बताओ कि 1 से 10 तक कैसे प्रिंट होगा। इसको 1 कर दूं और इसको 11 कर देता हूँ। अच्छा इक्वल्स टू भी लगा दूं, 11 कर दूं, एक ही बात है। तो ये 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। लेकिन ऐसा मुझे कभी भी नहीं करना है, ऐसा मैं कभी भी नहीं करूँगा। सही है, दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। क्यों नहीं करूँगा मैं ऐसा? ऐसा करने से आपकी आदत ख़राब हो जाएगी, आप फिर 1 से कभी 0 से चलाएंगे, कभी 1 से चलाएंगे, तो बड़ा मसला हो जाता है इसलिए। नहीं, I++ करने से तो ओरिजिनल वैल्यू, I++ अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना, तो ये लूप पे 10 दफ़ा चलेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ तो मसला नहीं है उनको, आप भेज दीजिएगा, बल्कि भेज दें अभी आप, नहीं अभी नहीं, 5 मिनट बाद भेज दें। ये लूप चलाई फिर 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा चलाई। क्यों? अब वो दो दो जगह प्लस लग रहा है ना, यहाँ भी प्लस लग रहा है, यहाँ भी प्लस लग रहा है, तो हर आइटरेशन पे 2 इंक्रीमेंट मार रहा है, वो दो दो इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो इसलिए वो तो चल ही पूरा नहीं रहा। तो पहली तो बात, रूल ऑफ थंब आप ये समझ लें कि फॉर लूप जब भी आप चलाएंगे, हमेशा आपने 0 से चलाना है, 1 से कभी भी चलाने की कोशिश नहीं करनी है। बैड प्रैक्टिस है, चलेगा तो सही, चलाएंगे चल जाएगा, लेकिन बैड प्रैक्टिस है। क्यों बैड प्रैक्टिस है? क्योंकि लूप बना है एरे के लिए और एरे बना है लूप के लिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सम टाइम बहुत रेयरली हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जहाँ पे लूप होता है वो असल में किसी एरे के ऊपर, एरे के साथ मिलके चल रहा होता है, और जहाँ पे एरे होता है वहाँ पे लूप चल रहा होता है। तो ये एरे और लूप एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के बगैर इनका गुजारा नहीं है। अगर एरे मौजूद है और उस पर लूप मौजूद नहीं है, यानी लूप नहीं लगा सकते आप, तो उस एरे का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास लूप मौजूद है लेकिन एरे नहीं बना सकते, अगर आप, ये एरे नहीं मौजूद है, तो लूप चलाएंगे किसके ऊपर? लूप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने, तो हमेशा दोनों आपको साथ साथ नज़र आएंगे। ज़्यादातर औकात में ऐसा होगा कि दोनों आपको साथ साथ नज़र आएंगे। यही वजह है कि फॉर लूप 0 से हम इसीलिए चला रहे हैं कि वो 0 इंडेक्स होता है, 0 बेस इंडेक्स होता है ना, एरे का जो 0 इंडेक्स होता है पहला होता है वो, फिर 1 इंडेक्स जो होता है वो दूसरा होता है, तो वो भी 0 बेस होता है। तो ये लूप भी हम जो चलाएंगे, कोशिश करेंगे 0 बेस चलाएं, ताकि आपकी आदत ख़राब ना हो, हमेशा 0 की आदत रहे। अच्छा, अगर आपको 1 करना है तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, वक्ती तौर पे 1+ करवा देंगे। आप कहेंगे I+1, इसको मैं सेव नहीं करवा रहा, कहीं स्टोर नहीं करवा रहा, मैं बस Y+1 करवा दिया मैंने। तो I+1 जो होता है, तो 0 से लेकर 9 तक चलने के बजाय 1 से लेकर 10 तक चलेगा अभी, ठीक है। तो नीचे +1 लगा दूंगा, लेकिन ऊपर इसको मैं 0 के अलावा 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा। ये प्रैक्टिस की बात है, अच्छी प्रैक्टिस है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलाएंगे तो चलेगा, बिल्कुल मसला नहीं कर। अच्छा, अब 1 से 10 तक तो लिख लिया मैंने, अब मैंने लिखना है 5 की गिनती पूरी, और 5 की टेबल लिखनी है, क्या करूं? सर, अगर हमें एयर प्रिंट कराने हैं, जैसे 1990 से लेकर अब तक, हाँ, तो फिर हम इसको किस तरीके से प्रिंट कराएं? आई में 1990 से स्टार्ट करेंगे ना, 1990 से लेके अभी तक का एयर क्यों प्रिंट कराना है, ये भी तक सवाल है। वो बनाना है, मैं फॉर्म बनाना है, तो डेट का वो लगाना है, तो उसमें हम एयर भी डाल देंगे, वो ऑप्शन में सारे एयर आ रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चलूँ सब लोगों को, कि जावास्क्रिप्ट में डेट को, डेट इज़ अ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। डेट को नंबर के तौर पर ट्रीट कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि डेट के बारे में बात यह है कि डेट नंबर नहीं है, डेट में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं।
आप कैलेंडर कितने तरह के होते हैं कोई बता सकता है? इस वक्त 2022 में कैलेंडर्स कितने तरह के होते हैं? हाँ, एक तो जीवर्जन कैलेंडर है जो ये वन अभी मई जून जुलाई ये चल रहा है, और हिजरी कैलेंडर है, इसको इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं, और रोमन कैलेंडर है, ग्रीक कैलेंडर है, चाइनीज़ कैलेंडर, चाइनीज़ के पास पता नहीं 4 के करीब कैलेंडर है चाइनीज़ के पास। एक बाई दफे वो 2012 में एक वो बात फैल गई थी ना कि 2012 में क़यामत आने वाली है, वो असल में हुआ यही था कि वो जो कैलेंडर था ना उनका, उसका मैं भी नाम भूल रहा हूँ कैलेंडर का क्या था, वो 2012 क्या उसमें डेट ही नहीं थी, वो ख़त्म होता था वहाँ पे कैलेंडर चाइनीज़ में, कोई चाइनीज़ का कोई कैलेंडर था, वो 2012 आखिरी था उसका साल, मतलब उस कैलेंडर में उसके आगे डेट मौजूद ही नहीं थी। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने ना, बेवकूफ़ लोगों ने अज्यूम कर लिया कि शायद इस कैलेंडर के मुताबिक दुनिया 2012 में ख़त्म है, तो ये इसीलिए नहीं गया, तो वो लोगों ने बात फैला दी थी बिला वजह। उस पर मूवीज़ वगैरह भी बनी थी कि 2012 में भाई क़यामत आ गई। ठीक है, तो लीप ईयर्स होते हैं डेट में। फिर आपको पता है दिन जो है वो एग्जैक्टली 24 घंटे का नहीं होता, कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा होते हैं दिन में, तो वो सेकंड्स को कैलकुलेट करके ना फिर वो हर महीने पता नहीं 20 सेकंड पता नहीं कितने बनते हैं, वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही वजह है कि डेट को कैरी किया हुआ है मिली सेकंड्स में 1970 से मिली। तो ये पूरा एक होल डिफरेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जो कि हम कवर नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो हम कवर नहीं कर रहे, वो आप अलग से देख लीजिएगा जावास्क्रिप्ट के बुक जो है भाई देखे, उसमें वो टॉपिक डिस्कस हुआ है, डेट के जो चैप्टर्स है ना बुक के वो आप पढ़ेंगे तो उसमें डेट आपको कैसे हैंडल करना है वो समझ आ जाएगा। एक लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे मूवमेंट जेएस, उसमें हम ये थोड़ा जो डेट वाले मसले हैं ना सारे, वो मूवमेंट जेएस के जरिए हम हल कर लेंगे, हम डेट को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट का टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक पढ़ लीजिएगा। नहीं सर, जैसे मैं ऐसे ही पूछना था कि 1990 से अगर हम, नहीं तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना, 1990 से प्रिंट करवाना है आपको तो आप इसमें, और हमें पता नहीं है ना कहाँ तक 1990 से कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10 साल अगले अब तक प्रिंट करवाना है, प्रिंट कराना जितने भी कितने भी साल नहीं भी तो इसके लिए तो पता लगाना पड़ेगा कि आज डेट है क्या, पहले तो ये पता लगाना होगा ना। तो फिर ये डेट के ऑब्जेक्ट तो आ गए ना, फिर बीच में आपको सिस्टम का डेट गेट करना होगा, सिस्टम का डेट आपको गेट करना पड़ेगा ना। तो ये डेट इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक, डेट इज़ नॉट ट्रीटेड लाइक नंबर, डेट जो है वो नंबर की तरह से ट्रीट नहीं होता। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5, ये मैंने ES6 का टेम्पलेट बना दिया, मैंने लिखा 5 और फिर मैंने लिखा कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का एक्स मिल के, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे चलता है, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, इक्वल्स, और इक्वल्स करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाना है, तो मैंने कहा 5 मल्टीप्लाई बाई क्या, i+1, इसको मैंने छोटी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि वो प्लस पहले करें मल्टीप्लाई बाद में करें। तो ये 5 की टेबल प्रिंट हो गई, सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से, 5 की टेबल प्रिंट हो गई स्क्रीन पर, सही है। अब आपको जो है ना ये जो 5 की टेबल है ये आप सब लोग अभी अपने PC में ना चला के उठेंगे, उससे पहले कोई घर नहीं जाएगा, PC किसी दूसरे पे चला लो, किसी दूसरे के साथ बैठ के चला लो। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, अभी ये करके उठेंगे इससे पहले कोई भी घर नहीं जाएगा। नंबर दो ये कि आपको अपना असाइनमेंट जो बना के लाना है अगली क्लास में जब आप आएंगे, तो आपको एक ऐसी ऐप बनानी है जिसमें आप दो चीज़ इनपुट लेंगे यूज़र से, नंबर एक कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है, नंबर दो कितनी दफ़ा प्रिंट करानी है। मिसाल के तौर पर 7 की टेबल प्रिंट करो 20 टाइम्स और सबमिट करें तो वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर, कंसोल पे नहीं, टर्मिनल पे नहीं। ठीक है, बैठ जाओ अभी, इतनी जल्दी में क्यों, समझ आ गया असाइनमेंट सब लोगों को। दो इनपुट लेने हैं, नंबर एक कौन सी टेबल प्रिंट होगी, नंबर दो कितनी दफ़ा प्रिंट होगी। अच्छा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।